खेल संग्राम में आपका स्वागत है। कानपुर में खेले गए पहले टेस्ट में भारतीय टीम ने न्यूजीलैंड को 157 रनों से हरा 3 मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़त बनाई। पांचवें और आखिरी दिन जब न्यूजीलैंड की टीम ने 4 विकेट पर 93 रन से आगे खेलना शुरू किया तो उसके सामने अभी 341 रन और बनाने की चुनौती थी। शुरुआती खेल में रोंची और सेटनर ने अच्छा खेल दिखाते हुए 5 विकेट के लिए 102 रन जोड़े। 80 रन बनाकर खेल रहे रोंची को जडेजा ने अश्विन के हाथों कैच करा न्यूजीलैंड को 5वां झटका दिया। इसके बाद वेटलिंग 18 और क्रेग सिर्फ 1 रन बना शमी का शिकार बने। वहीं 71 रन पर खेल रहे सेटनर को अश्विन ने रोहित के हाथों कैच करा चलता किया। सोढ़ी 17 और वॉगनर बिना कोई रन बनाए अश्विन का शिकार बने। बोल्ट 2 रन बना नॉट आउट रहे। इस तरह पूरी न्यूजीलैंड टीम दूसरी पारी में 236 रन पर ढेर हो गई और टीम इंडिया ने अपने 5वें टेस्ट में शानदार जीत दर्ज की। अश्विन ने सबसे ज्यादा 6 विकेट झटके, वहीं शमी ने 2 और जडेजा ने 1 विकेट झटकाया। पहली पारी में 42 और दूसरी पारी में 50 रन बनाने के साथ 6 विकेट झटकने वाले टीम इंडिया के ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा मैन ऑफ द मैच बने। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए खेल संग्राम।